नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश एक बार फिर से बागवानी बाज़ार में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम बदल चुका है, मौसम अब ठंडा हो गया है, दिल्ली का मौसम भी चेंज हो गया है। और इसी के साथ मैं लेकर आया हूं, देखिए सीजनेबल फ्लावर के प्लांट लेकर आया हूं। जैसा आप देख ही रहे हैं, ये बहुत सारे जो प्लांट हैं ये सारे सीजनेबल हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं। और ये कुछ लोग हमारे जो हैं व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने घर में सीजनेबल जो फ्लावर प्लांट हैं वो लगाना पसंद करते हैं, और जो नहीं भी लगाते हैं वो भी इन्हें लगाएं, जिससे उनके घर की जो गार्डन की खूबसूरती बढ़े। और तितलियां और भंवरे ये सब उनके घर में जब फ्लावर के ऊपर जब आते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य बनता है वो। तो इसीलिए आज मैं आपको इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, और आज मैं आपको ये सब जो प्लांट है फ्लावर प्लांट है सीजनेबल, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं, यहीं से ही हम शुरू करते हैं। ये देखिए शुरुआत में ही देखिए बहुत खूबसूरत प्लांट हैं, देखिए ये फ्लावर के, ये देखिए ये डेंथस है, इसको आप देखेंगे कितना खूबसूरत प्लांट है ये, और इसका फ्लावर देखिए, ये सारे सीजनेबल हैं। और जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है इन पर फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है, और धीरे धीरे ये बहुत खूबसूरत रूप लेने लगे हैं। और इसी के साथ में देखेंगे वर्बिना, देखिए ये जो है पर्पल कलर का, ये है वर्बिना। वर्बिना को अगर आप देखते हैं तो दोस्तों ये बड़े गुच्छों में आते हैं फूल, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं, पर्पल कलर के फूल हैं। और भी इसमें कलर के ऑप्शन और भी हो जाते हैं, इसमें काफ़ी सारे कलर के फ्लावर्स हमें जो है इसमें मिल जाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास अलग अलग तरह के प्लांट हैं हमारे पास की खूबसूरती के साथ, इसी तरीके से गुच्छों में ये आते हैं। और आगे देखें, ये देखिए गेंदा मैरीगोल्ड, ये तो देखिए हर जगह पाया जाता है, ये बहुत ही खूबसूरत है, और ये इस सीज़न का बहुत बेहतरीन प्लांट होता है, इसे आप अपने घर में लगाएं। और देखिए इससे खुशबू भी बहुत भिन्न भिन्न खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, और अक्सर इसका पूजा में सबसे ज़्यादा माला में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो पूजा के लिए माला बनाई जाती है उसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये मैक्सिकन पिटोनिया है, ये देखिए, और इसके फ्लावर देखिए पर्पल कलर के फ्लावर हैं, और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं इसके, आप जो देख रहे हैं। और ये अपने गार्डन में अगर आप लगाते हैं तो ये पर्पल कलर के फ्लावर लगाने बहुत ही खूबसूरती बढ़ेगी आपके गार्डन की। साथ में देखिए इसी के साथ एक मैक्सिकन रोहिल्या भी है, ये भी सेम उसी के जैसा कलर दिखने वाला है, पर्पल कलर में है, लेकिन थोड़ा सा इसकी लीफ अलग होती है और इसके पौधे जो हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए इसे कहते हैं मुर्गा फ्लावर, ये मुर्गा फूल कहा जाता है इसे, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भी एक गुच्छे में एक बल्क में आता है, बहुत ही जैसे कि देख रहे हैं। और इसमें भी और भी हैं, देखिए बहुत सारे हमारे पास इस तरीके के, देखिए अलग अलग वैरायटीज़ के फ्लावर हैं जिन्हें आप अपने घर में लगाएं और घर में अपनी खूबसूरती बढ़ाएं, अपने गार्डन को अपने बैल्कोनी को फूलों से महका दीजिए। इस सीज़न आप अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और आइए आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ, इसी तरह प्रकार से बहुत सारे फ्लावर प्लांट हमारे पास आए हुए हैं सीज़न के। ये देखिए मैरीगोल्ड फिर से आ गया, इसमें भी दो कलर हैं मैरीगोल्ड में भी, देखिए काफ़ी सारे जो प्लांट हैं बहुत खूबसूरत हैं। अब आप देखिए इस तरफ आइए, ये देखिए ये है पिटोनिया, ये देखिए पिटोनिया, ये पिंक कलर का है, बहुत खूबसूरत फ्लावर है। और साथ में ये देखिए इसी में पिंक में ही आपको दूसरा शेड दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आप, ये देखिए यहाँ पे नीचे ही आके देखिए, ये हर किसी में देखिए अलग अलग शेड है, ये देखिए सारे पिटोनिया हैं, वाइट कलर के हैं, और आगे देखिए पर्पल है, ये देख यहाँ पे देखते हैं आप, ये कलर बहुत ही खूबसूरत कलर है, ये थोड़ा सा अगर वेरीगेटेड जैसा कहे वैसा कलर है इसका। फ्रेंड्स ये देखिए ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावर है, इसे बोलते हैं सिलोचिया, इसमें जो है कुछ कलर अलग अलग भी होते हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं, और ये भी गुच्छों में होता है, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जैसे कि आप इस तरफ देखिए इसमें अलग अलग प्रकार के देखिए शेड है, देखिए येलो में भी है थोड़ा, पीछे की तरफ देखेंगे, और ये पर्पल में पिंक कलर में भी है। आइए ये सब तो मैंने दिखाया, पीछे की तरफ देखते हैं, पीछे और भी हमारे पास प्लांट के जो हैं फ्लावर के प्लांट हैं, तो आइए मैं वहाँ तक आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पास बरमार है, देखिए इन प्लांट्स की फ्लावर के, और ये भी सिलोसिया ही है, देखिए इसमें कितना बढ़िया कलर आया हुआ, देखिए बहुत अच्छा कलर है, पिंक कलर में है, थोड़ा
और इसमें आप ये देख ही रहे होंगे जैसे कि तितलियाँ इसमें भिन-भिना रही है, चारों तरफ तितलियाँ हैं और इसके अंदर ये मधुमक्खियाँ तक भी इसमें आई हुई है। तो ये बहुत ही बढ़िया और देखने में अच्छा लगने वाला सीन लग दृश्य हो जाता है अगर आपके घर में इस तरीके से फ्लावरिंग हो और वो फ्लावर पे तितलियाँ वहाँ उड़ रही हो चारों तरफ, तो कितना अच्छा दृश्य हो जाता है दोस्तों। तो आइए इस तरफ दिखाता हूँ मैं, देखिए कुछ ये भी प्लांट है, देखिए इसमें देखिए फ्लावरिंग हो रखी है, देखिए कितना अच्छा फ्लावर है देखिए। तो इस तरीके से आपको हमारे पास कई सारी वैरायटियाँ मिलने वाली है फ्लावर की। तो दोस्तों ये तो आप जानते हैं ये अपराजिता है और ब्लू कलर वाला अपराजिता है, तो ये बहुत ही फेमस है ये तो। तो ये भी आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। और फिर आ गया मैरीगोल्ड, देखिए पिंक ये येलो कलर का मैरीगोल्ड है, देखो कितना बूशी है, कितना बड़ा है आप मेरे हाथ में जैसा देख ही रहे हैं। तो ये सब जो है इस सीज़न में मतलब फ्लावरिंग करेंगे तो आपके घर को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। अब बात करते हैं देखो आगे आगे जो ये फ्लावर प्लांट जो देख रहे हैं आप, ये सदाबहार है मतलब विनका है और ये तो हमेशा फ्लावरिंग करता ही रहता है। इसमें भी अलग अलग शेड है हमारे पास, जैसा आप देख रहे हैं अलग अलग कलर हैं इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल। तो ये सब भी आपको हमारे पास मिल ये सब भी आपको हमारे पास मिलने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्लांट है ये। आगे देखिए ये आगे हमारे पास रोज़ेस की भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं। ये देखिए वाइट कलर के हैं, रेड कलर के हैं, ये देखिए। और अभी तो इन पे देखिए बर्ड्स आनी शुरू हुई है, अभी धीरे 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 इन पे फ्लावरिंग शुरू होगी और ये फ्लावरिंग इतनी हो जाएगी कि गुच्छों में फ्लावरिंग होगी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये देखिए फिर से देखिए हमारे पास ये आ गया, देखिए पिटोनिया। तो बहुत सारे कलर फूल हैं हमारे पास कलर में, आगे एक फूल और है मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, एक फ्लावर का प्लांट और भी है। ये देखिए येलो कलर के फ्लावर है, देखिए इसमें इसमें देखिए पूरा बंच जैसा एक जैसे बंच होता है बुके, उस टाइप में इसमें फ्लावर आते हैं। तक तो मैं बात कर रहा था सीजनेबल फ्लावर की, लेकिन अब मैं एक ऐसे प्लांट के बात कर रहा हूँ जो तो पूरे साल ही जो फ्लावरिंग करता है, आइए जिसे बोलते हैं एक्जोरा। तो दोस्तों देखिए ये है एक्जोरा, एक्जोरा फ्लावर प्लांट है ये और इसमें भी देखिए बंच में फूल आते हैं खूब सारे। ये देखिए इस तरफ देखिए और ये अभी देखिए इसमें तो स्टार्ट हुआ है देखिए खिलना, दोबारा बंच बना। तो ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, तो बारहमासी है कि आप अपने घर में लगाएं तो हमेशा ही फ्लावरिंग करता रहेगा। अब अगर आप ये सारे फ्लावर लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस पे हमें आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस नंबर से हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का टाइम रहेगा सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक जो हमारा ऑफिशियल टाइम है। और अगर हम किसी कारण आपका अगर कॉल नहीं उठा पा रहे हैं या मैसेज का रिप्लाई नहीं आप आ रहा है तो हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा ही बिजी हैं इस टाइम, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दिए गए नंबर पे आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको आंसर ज़रूर देंगे। और ये सारे जो फ्लावर जो आप देख रहे हैं सीजनेबल, ये अपने घर में लगाइए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को स्किप किए बिना आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप हमारे यहाँ सब्सक्राइब लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, शेयर करने से किसी के पास ऐसे बंदे के पास ये फ़ोटो पहुंच जाए जिन्हें इन फ्लावर की ज़रूरत है तो उनकी उसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर कीजिएगा। और हमारा जो फेसबुक का पेज है और इंस्टा का पेज है उसे भी आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं चाहता हूँ अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करना और फिर मिलूँगा आपको अपनी अगली ऐसी ही वीडियो में, नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ इजाज़त, नमस्कार।